जय भीम साथियों, मैं अर्जुन सिमोलिया, आप देख रहे हैं नैतिक टीवी को। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता होगा कि उज्जैन के माकड़ोन तहसील में आपको दादे की बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हो गया है और आपको दादे की उज्जैन में बवाल मच गया। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पथराव हुआ, आगजनी हुई और पुलिस सामने आई, वो पूरा मामला सामने हम आपके रखेंगे, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया देना। इससे पहले आपको बता दें कि भीम आर्मी के जो सुनील अस्ते आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको बता दें कि उनकी तरफ से भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया। क्या कुछ सुनील अस्ते का कहना है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको घटना बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उज्जैन के पास माकड़ोन में दो महापुरुषों की मूर्ति को लेकर बवाल तब मच गया जब आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर एक पक्ष ने हमला करके उसे गिरा दिया, जो यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते थे। इसके बाद पटेल और अंबेडकर समर्थकों में जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी और आगजनी की गई। पुलिस ने आपको बता दें कि मामले को बढ़ता देख अब मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो मीडिया चैनलों की खबर है उसके अनुसार माकड़ोन में आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को मूर्ति को आपको बता दें कि ट्रैक्टर चलाकर कुचल दिया गया। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी और पटेल के अनुयायी आमने सामने हो गए। ये आपको बता दें कि खबर जो चलाई जा रही है, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के नेता सुनील अस्ते ने किया है। जो सुनील अस्ते हैं उन्होंने आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका खुलासा करते हुए लिखा कि माकड़ोन उज्जैन की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग की बहुजन एकता को तोड़ने की यह घटना एक साजिश है। हमारे महापुरुष हैं, मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार से मांग करता हूं कि दोनों पक्षों को साथ लेकर विवादित जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को एक साथ लगाया जाए। तो ये आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के नेता सुनील अस्ते के द्वारा बड़ा बयान निकलकर सामने आया उज्जैन माकड़ोन मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है वो दोनों पक्षों को एक साथ लेकर वहां पर जहां पर यह घटना घटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने दोनों ही महापुरुषों ने आपको बता दें कि देश के लिए काम किया है और इस देश को आपको बता दें कि प्रगति की राह पर लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे महापुरुषों की एक साथ एक जगह पर प्रतिमा लगाई जानी चाहिए और जो दलित आदिवासी साथ ही साथ पिछड़े वर्ग की एकता है, दोनों महापुरुष आपको बता दें कि दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो इन महापुरुषों को आपको बता दें कि एक जगह स्टैचू लगाकर दोनों ही वर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये बात सुनील अस्ते ने बोली है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।